द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहर ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते हमारे देश के हालात बाकी अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का अगर सभी सख्ती से पालन करें तो हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान द्रंग विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए आदेशों का देश की जनता ने सख्ती से पालन किया, तभी देश के अन्य देशों की तुलना में हालात बेहतर हैं। वहीं जवाहर ठाकुर ने कहा कि कुछ दिन पहले प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में एकाएक इजाफा हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अगर सभी सख्ती से पालन करें तो प्रदेश में महामारी के कारण बढ़ रहे मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसको कहते हैं, आज मैं समझता हूँ कि पूरा विश्व इस बीमारी से चिंतित है। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का कि जब से 25 मार्च 2020 से लेकर कोरोना आज तक जो इस देश में और इस प्रदेश में फैला है, उसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि उसी का ही परिणाम है कि आज हमारा देश विश्व स्तर पे जो कोरोना महामारी से बेहतर परिस्थिति में है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश पूरी देश की जनता को दिया है, उसमें पूरी देश की जनता ने उसका अनुसरण किया और पालन किया है। और यही कारण है कि आज देश हमारा बेहतर परिस्थिति में है। और मैं समझता हूँ कि ये एक 2020 का जो सन जो है वो एक ऐतिहासिक सन होगा। उसमें आज यदि छोटा बच्चा भी हमारा गांव में घर पे है, उसको वो भी एक इस इतिहास का एक साक्षी है कि आज इस बीमारी की वजह से आज हमारा घर में हमारा बुजुर्ग है, हमारा माता पिता है, तो जिन्होंने मुंह में पट्टी बांधी हुई है, मास्क पहने हैं और इधर उधर आना जाना बीमारी का जो जो भी हमारी बीमारी के कारण हमको अवेयर होना है उसके लिए, वो भी मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो भी हमारे साक्षी हैं। आने वाले समय में वो आने वाली पीढ़ी को कह सकते हैं जब तक तो उनका जीवन है कि वे हमारे कार्यकाल में एक ऐसी बीमारी आई थी जिसको हमने अपनी आंखों से देखा। और आज ये बात ठीक है कि आज परिस्थितियाँ बेहतर होने जा रही है। हमारे प्रदेश में थोड़ा कोरोना कार्यकाल जो अभी जो 2 महीने का जो जिसमें हमारी सरकार ने थोड़ी ढील दी थी, उसमें लोग जो है वो उसका जो कोरोना में जो हमारा मृत्यु दर कम हुआ है, ठीक होने की जो पोजीशन ठीक हुई है, जिसकी वजह से लोग खुलकर बाहर निकले हैं, चाहे वो मार्केट में गए हैं, चाहे वो ब्याह शादी में गए हैं, जिसकी वजह से आज ये जो फिर इसमें इजाफा हुआ है। और अभी 2 दिन पहले कैबिनेट में जो डिसीजन लिया गया था श्री जयराम जी की सरकार द्वारा, उसमें मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश के लोग हम फिर उसका अमल कर रहे हैं। अभी 2 दिनों से पूरे प्रदेश में कोरोना का जो महामारी है उसमें काफ़ी कंट्रोल हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि 15 दिसंबर तक जो सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो गाइडलाइन हमें दी गई है, उसका हमको सबको पालन करना चाहिए।